बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी इस वक्त जो है वो मिली है। आपको बताते चले, बीती रात तकरीबन 11:30 के लगभग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी, और लगातार पूरी रात की बात करें तो गोलीबारी का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहा। और फिलहाल अभी एक बड़ी कामयाबी इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, और आपको बताते चले फिलहाल 4 दहशतगर्दों को फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया, यानी कि 4 आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो है फिलहाल ढेर कर दिया गया है। जी हां, पूरी जानकारी आपको बताते चले, पिछले दिनों ही अगर हम बात करें, खास मैं बात करूं, कल रात जो है 11:30 के लगभग जो है ये फायरिंग जो है वो शुरू हुई, और उसके बाद लगातार पूरी रात की मैं बात करूं तो फायरिंग जो है वो चलती रही, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में फायरिंग लगातार जो है वो चलती रही। और उसके बाद आज सुबह ही सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, इसमें 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और आपको बताते चले रात 11:30 के लगभग जो है ये फायरिंग जो है वो शुरू हुई। इससे पहले कि मैं बात करूं तो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई पुंछ के अंदर, और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक्टिवली जो है उसके ऊपर काम किया, और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी नजरें जो है उसके उनके ऊपर जो है वो गड़ाए हुए थे। और उसके बाद जो है तकरीबन रात के 11:30 के लगभग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में फायरिंग जो है वो शुरू हो गई, और उसके बाद जैसे ही ये फायरिंग शुरू हुई और पूरी रात ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। और आज सुबह अभी की मैं बात करूं तो बड़ी कामयाबी इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ लगी है। आपको बताते चले 4 आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया, हालांकि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आई है। जो ऑफिशियली जानकारी बताई जा रही है कि फॉरेन जो है वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, और उनकी आइडेंटिटी को जो है वो सर्टन रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करते चले फिलहाल उनके उन आतंकियों से कितना वेपन या आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो बरामद हुआ है वो भी अभी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन बात करते चले ये पुंछ के सुरनकोट इलाके से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि 4 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो मार गिराया है। और लगातार अगर हम बात करें तो एक बार LOC के ऊपर भी जो है सस्पिशियस मोमेंट जो है वो देखी गई, और उसमें भी यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तब भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, और उसके बाद उस पूरे चक्कादाबाग जो इलाका है उसको पूरा जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और रात की मैं बात करूं तो रात को भी पुंछ के सुरनकोट इलाके में एक ड्रोन मूवमेंट को देखा गया, और उसके बाद लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है एक्टिवली काम करती रही। और तकरीबन कल रात 11:30 के लगभग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में इनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया, यानी फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, और पूरी रात लगातार जो है ये फायरिंग जो है वो चलती रही। और उसमें आज सुबह की बात करते चलें तो सुबह एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगी, और 4 आतंकियों को, जी हां 4 आतंकियों के इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और इसमें अगर हम बात करते चले इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और JNK पुलिस द्वारा मिलकर जो है ये ऑपरेशन चलाया गया, और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ इस वक्त लग चुकी है। 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, और 4 फॉरेन टेररिस्ट जो है वो बताए जा रहे हैं, और उनकी आइडेंटिफिकेशन फिलहाल जो है वो सामने नहीं आई है। और इनके इन तमाम आतंकियों से कितनी आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो बरामद किया गया है वो भी अभी जानकारी सामने नहीं आई है। और अगर बात करते चले इससे पहले भी पुंछ के अंदर कई बार आतंकियों ने कहीं ना कहीं अपने मंसूबे जो है वो पूरे करने की कोशिश की है, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको मुंह तोड़ जो है वो जवाब दे रही है। और एक बार फिर से 4 आतंकियों को पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ के सुरनकोट से आ रही थी, जहां पर फिलहाल रात को 11:30 के लगभग इनकाउंटर शुरू हुआ था, फायरिंग का सिलसिला सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में शुरू हुआ था, और उसमें एक बड़ी कामयाबी हाथ इस वक्त लग चुकी है, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। नमस्कार।